सारी हम बात कैसे शुरू करें, तो फिलहाल भी थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। बस उदास, थोड़ी सी सुन के खबर जो है थोड़ी सी उदासी है। अभी मामला 50-50 है, मतलब चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं ना शादी के बाद। पहले वो वाली बातें नहीं रहती, शादी के बाद बहुत मुश्किल होता है। तो यार कोई पता नहीं, मैं कभी भी आ सकती हूँ वापस, क्योंकि छापा मारना डायरेक्ट आके। और ऐसा है कि जर्मनी से इंपोर्ट किया है मैंने इसको। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। और आज की वीडियो क्या है समीना, आपको बताएंगे? मैं क्यों बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो है समीना के रिलेटेड। हाँ जी, मुझसे रिलेटेड है आज ये वीडियो। बिल्कुल, इधर आके बताओ, इधर आके। ऐसे ऐसे दीवार के पीछे लग जाओ। नहीं, वो हमने कैमरा सेट किया है ना। तो कैसे आप सब लोग? तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिलाल बिल्कुल ठीक है। और सबसे पहले आप लोग प्लीज आज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर, क्योंकि हमारे चैनल के होने वाले हैं 2 लाख सब्सक्राइबर्स। हमारी फैमिली जो है बस 2 लाख होने वाली है। जल्दी से आप लोग 2 लाख कर दें, सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल वीडियो मेरे मुतालिक ही है। और आप लोग कहते हैं कि पूछते भी है मुझसे के, मतलब जो लोग नए देख रहे हैं उनको पता नहीं होगा, तो समझ नहीं आ रही हम बात कैसे शुरू करें, तो बिलाल भी थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। चलें आप बोलें, कोई बात नहीं। तो जो लोग नए हैं उनको तो पता नहीं होगा कि मैं जो हूँ जर्मनी में रहती थी शादी से पहले, और जर्मनी से ही आई थी। और ऐसा है कि जर्मनी से इम्पोर्ट किया है मैंने इसको। गलत है, जर्मनी से इम्पोर्ट किया है। ओहो, वाइफ गलत है। नहीं, तो नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मजाक से कह रहा हूँ। अच्छा जी बताएं। तो बस ऐसा है कि मुझे जाना पड़ गया है अर्जेंट जर्मनी, और मतलब कुछ दिनों के लिए। और ये कोई मूव कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि कनाडा का आपने बहुत रोला डाला था, बड़ा कुछ मुझे सुनाया था कि विराल को लेके भाग गई है, पता नहीं क्या क्या। तो आप लोगों को पता होता नहीं, मतलब कैसे नहीं कहते, मैं इतना बड़ा आदमी, मुझे कोई लेके भाग सकता? हाँ, और क्या। तो जब भी बिलाल ने कहीं जाना, उनकी अपनी मर्जी होगी। नहीं, इतना मोटा इंसान, इसको कोई पकड़ के भाग कैसे सकता? तीसरा हिस्सा समीना मेरे जिस्म का। तो बस ऐसा है कि क्योंकि मैं जर्मनी में जॉब अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ, फिर मास्टर्स वहीं से किया है। तो ऐसा है कि मुझे जाना पड़ गया है जर्मनी अर्जेंटली, और बस उदास, थोड़ी सी सुन के खबर जो है थोड़ी सी उदासी है, और बिलाल को भी है। लेकिन अभी ऐसा है कि कोई पता नहीं, अभी मामला 50-50 है, कैसे मैं अभी साथ जाता हूँ या नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि बिलाल जा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो लेकिन ये है कि अभी बिलाल का डिसाइडेड नहीं है। क्यों? याद है आप लोगों को, मैंने वीजा अप्लाई किया था, आपको बताया था, अपॉइंटमेंट मिली, जो भी ऐसे पासपोर्ट भी बनाया था, वो सारी वीडियोस जो थी वो थी। मतलब कि वो उस वीडियो में ये था कि अपॉइंटमेंट नहीं मिले, लेकिन फिर मिल गई थी थोड़े दिन बाद। तो वो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि हमने कहा था एक ही बार आप लोगों को बताएंगे। तो अभी ऐसा है कि क्या है, अभी ऐसा है कि अभी कुछ नहीं पता, लेकिन समीना ने तो जाना ही जाना है। अभी मैं इसलिए आप लोगों को खुश नजर आ रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा मामला 50-50 है, कंफर्म नहीं है। लेकिन मेरा कंफर्म है कि मैं तो जा रही हूँ, और बिलाल का कोई पता नहीं है, एंड टाइम पे मेरे साथ धोखा दे दूं मैं, जाऊंगी ना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बस कुछ ऐसे काम है उस वजह से, देखते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा है कि बिलाल का मतलब माशाल्लाह हमारा घर भी बन रहा है, और उसकी भी फाइनल स्टेजेस हैं मेरे। और लेकिन ऐसा है कि मैं तो चलें देखें अब क्या होता है कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद पता चलेगा आप लोगों को। लेकिन बस यही न्यूज थी आप लोगों को देनी थी कि मैं जर्मनी जा रही हूँ थोड़े टाइम के लिए। और इसके अलावा समीना बताएं, आप वापस कब आएंगी? मेरा कोई पता नहीं, मैं कभी भी आ सकती हूँ वापस, क्योंकि छापा मारना डायरेक्ट आके। छापा मारना कोई पता नहीं, क्योंकि मैं मतलब चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं ना शादी के बाद। पहले वो वाली बातें नहीं रहती, शादी के बाद बहुत मुश्किल होता है। तो मतलब बहुत, अगर बिलाल मेरे साथ नहीं जाएंगे तो इट वुड बी रियली हार्ड फॉर मी कि वहाँ रहना, सब कुछ करना, वो सारी चीज़ें। फिर मैं कोशिश करूँगी कि एज सून एज पॉसिबल जो है आ जाऊँ, तो यही होगा। ठीक,
तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है कि हस्बैंड यहाँ और मैं वहाँ, तो मतलब हाँ कोई बात नहीं, काम साथ साथ चलते हैं दुनिया के, तो कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए इंसान को देखें। मैं कह रहा हूं अभी, टाइम के ऊपर देखो क्या होता है क्या मेरा, होता। हाँ तो बस अभी मामा से देखें। मिलने जाऊंगी मैं, कल बिल्कुल, चली जाऊंगी अच्छा, और फिर उसकी वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि थोड़ी देर के लिए जाऊंगी मैं और बिल्कुल फिर आ जाऊंगी। तो ठीक बस फिर देखें क्या पता चलता है। आप लोग अगली वीडियो का वेट जरूर करिएगा कि और इस बार जिसमें, हम सामान पैक करने की वीडियो भी नहीं बनाएंगे। हाँ हर टाइम वो मतलब डुप्लीकेशन हो जाती है, तो बस थोड़ा सा सैड है कि शायद एयरपोर्ट की बना लें, लेकिन अगर मेरी हिम्मत जो आप दे गई तो फिर मैं नहीं बना पाऊंगा। मैं अभी पता नहीं कैसे खड़ा हूँ, अभी खड़ा हूँ बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मामला 50-50 है, इस वजह से मैं चुप हूँ जरा सा ना, जान है मेरी बॉडी में खड़े होने के। तो अगर मामला फिर 0-50, 0-100 हो गया, नहीं तो यहाँ तो फिर मुश्किल हो आई जाएगा। यस हो गया 100%, तो फिर तो मैं शेर बन जाऊंगा। चलो देखें क्या होता है। बस ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, आप लोगों को बताने के लिए, जी, क्योंकि जाहिर है आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और आपके साथ बहुत सी वीडियोस हम शेयर करेंगे, अगर हम गए वहाँ पर हम व्लॉग्स बनाएंगे आप लोगों के लिए, जर्मनी में, हाँ फ्रैंकफर्ट में बनाएंगे, बर्लिन में बनाएंगे, हाँ क्या पता हम यूरोप की दूसरी कंट्रीज में भी जाएं, क्योंकि वन वीज़ा फॉर मेनी कंट्रीज, 27 है, बहुत ज्यादा कंट्रीज जो भी उसमें सताइस है कंट्रीज हैं यूरोप की, उसमें हम शेंजन। जा सकते हैं, हम स्विट्जरलैंड भी जा सकते हैं, हम फ्रांस भी जा सकते हैं, रियल वाला आईफेल टावर भी देख सकते हैं, इसके अलावा हम और क्या क्या जगह है फेमस। बहुत सारी जगह, लेकिन लेकिन मसला अभी यहाँ अभी पर आया ये है कि अभी मौसम वाला नहीं है, हाँ स्नो स्नो होगी, लेकिन कोई स्नो, बात नहीं, जरूरी है जाना, इन फ्यूचर आपको जरूर गर्मियों में भी सैर करवाएंगे यूरोप की, अगर अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह तो, इंशाल्लाह। इनशाला, क्योंकि आप हमारे हाथ में लोगों, तो कुछ भी नहीं, अल्लाह के हाथ में है, हाँ आप हम तो लोगों, जस्ट दुआ कर सकते हैं, और आप लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं, आप हाँ लोगों का प्यार हमारे साथ है, आप लोग हमें पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, अक्सर आप हम लोगों को मिलते हैं बाहर हाँ बहुत अच्छे से, दुआएं वहां भी दुआएं मिलती हैं, कमेंट्स में भी दुआएं मिलती हैं, बस दुआओं में याद रखें आप लोग हमें। और समीना आप बताएं आप क्या कहना चाहेंगी। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, मैं ये कहना चाहूंगी आप लोग मुझे और बिलाल को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा, मुझे भी स्पेशली अपनी दुआओं में याद रखें, और हम भी हाँ आप लोगों के लिए बहुत दुआएं बिल्कुल, करते हैं। इट डजेंट मैटर कि आप लोग हमें बहुत नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, लेकिन वो फिर भी तो नॉर्मल बात है प्यार ना, करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, तो आप लोग हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। तो वो बस जस्ट 2%, 1% लोग होते हैं ऐसे, क्योंकि जो लाइक रेशियो है ना जो हमें नजर आती है वो 99 या 98% होती है, 1% लोगों ने डिसलाइक किया होता है, वो वही नेगेटिव लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में सिर्फ नेगेटिव फैलाना और नेगेटिव बात करना ही होता बस है। पॉजिटिव रहें हाँ, और खुश पॉजिटिव रहें, रहें, खुश और रहें, कोशिश करें कि हाँ बस खुश रहने की कोशिश बिल्कुल करनी चाहिए इंसान को। बिल्कुल। और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि हाँ ये वीडियो क्यों बनाते हैं ऐसे है? क्योंकि लोग चाहते हैं लाइफ देखना, हमारी अक्सर चीजें ऐसी होती हैं, हम प्यार फैलाना चाहते हैं ताकि लोगों में भी प्यार हो, वो भी सीखें, पॉजिटिव रहें, मतलब हमारा मेन मकसद ये है, ये नहीं कि हम अब नेगेटिव शॉफ या थोड़ा कुछ। दिखा रहे हैं, कुछ भी हमने कुछ दिखाया भी है लोगों को, ये भी साथ कहा है हमने कि मतलब कि जैसे अल्लाह ताला तौफीक दे इंसान को उस तरह खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं, कुछ लोग मुख्तलिफ तरीकों से खुश रहते हैं, कुछ लोग ऐसे अपने इंसान अपने हैसियत के मुताबिक वो काम करता है, जो भी है, क्या पता हमें देखने वाले हमसे भी ज्यादा भी कुछ करते हो, उनके लिए नॉर्मल चीज हो सही बात है, ये सही है। जाना वगैरह जो भी है, और कुछ और लोग भी हैं वो भी खुश होते हैं, अगर वो जा नहीं सकते हम आप लोगों को ले जाते हैं इस वीडियो के जरिए, ये भी एक बात है। सही बात है। बिल्कुल, तो हाँ जी बस ये छोटी सी वीडियो थी आप बिल्कुल, लोगों छोटी के सी वीडियो लिए। थी, और अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, या क्योंकि मैं इंसान हूँ गलत भी बोल सकता हूँ, गलती हो सकती है, तो उसके लिए एडवांस में सॉरी, मेरी तरफ और से भी, बिल्कुल और बस दुआ में याद दुआ में रखिएगा याद और देखें रखिएगा, क्या होता है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर इंशाल्लाह करें जो बेहतर भी करें, होगा। आमीन। बस आमीन। चलें तो समीना चलिए मेले क्या लेके आओगे। मैं अगर अकेली गई तो मैं सिर्फ अपने आप को ही आपके लिए लेके आऊंगी। यही मैं सुनना चाहता था, क्योंकि हाँ इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा, एक हस्बैंड बस अपनी वाइफ से इतने दिनों के बाद मिले, तो
सही बात है, तो बस आप लोग दुआ करिएगा। सही जवाब दिया सुमिंदा ने, तो यही उम्मीद थी मुझे। इससे पता चलता है बॉन्डिंग का आपस के, माशाल्लाह। बस आप लोग माशाल्लाह जरूर कह दिया करें हमें देख के, शुक्र है अल्लाह का। और फिर आप जो हमें दुआओं में भी याद रखें, और बस फिर एंड कर देते हैं, एंड कर देते हैं। और थोड़े से कहने के लिए नहीं है अभी, थोड़ा सा अभी मतलब कि मैं थोड़ा सा बस क्या कहें, आपको समझ आ गई होगी, तो बस दुआ करें मैं भी जा सकूं, अल्लाह करे। तो बस चलिए ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी गांव में फिर से याद रखें। तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।